अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हुज़ारनक से दुआ आपके सामने हाजिर एक और नए हफ्ते के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ और मज़ेदार बातों के साथ। आज आप लोगों की फरमाइश पे हम बनाने जा रहे हैं केक रस्क, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा बहुत अरसे से फरमाइश थी। इट्स सच अ सिंपल थिंग, इट्स जस्ट अ प्लेन स्पंज केक, अंडों वाला स्पंज केक, मक्खन वाला। उसको आप काटें, उसके आप पीसेस बनाएं और उसको आप वापस बेक करने रखें। तो उसके लिए एक केक बना के लाना ज़रूरी था। सो एक छोटा सा लोफ टिन में आपने एक केक बनाया या किसी भी पैन में केक बना के फिर उसको आपने काट लेना है, ठीक है। इस तरह के थिक स्लाइसेस में काट लीजिएगा और फिर इसको आप दोबारा बेक करेंगे। जब इसको मैं रख देती हूँ अभी बेक होने के लिए, तो ये जब सूख जाएगा तो ये आपका डबल बेक्ड केक, या जिसको हम आम लैंग्वेज में बेकरी वाले केक रस्क कहते हैं, ये वो है, ठीक है। चलिए, दस से पंद्रह मिनट ये बेक होगा। अब अगर मैं आपके सामने केक बनाती, फिर उसको स्लाइसेस में काटती, फिर उसको रखती, टाइम लग जाता। उस केक को भी तो आपको ठंडा करना होता है ना, गरम केक को आप काटेंगे क्रम्बल हो जाएगा। इसीलिए एक केक बना हुआ हो या आपके घर में स्पंज केक पड़ा हुआ हो, कोई खा नहीं रहा हो, ट्राइफल में आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो ऐसे सोच के कुछ बना लीजिएगा, ठीक है। केक रस तो बहुत अरसे आप डब्बा भर के रख सकते हैं। आज हमारे शो पे है वाउच 365 के कूपन बुक्स, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, हैदराबाद, एबटाबाद एंड बहावलपुर के रहने वाले हमारे फैंस एंड व्यूअर्स। अगर आप जीतना चाहते हैं हमारे शो के थ्रू, तो आपने मुझे बताना है। हम नेक्स्ट रेसिपी फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं विद लॉट्स ऑफ डिफरेंट डिप्स विच वी आर गोइंग टू यूज डिप इट के। तो आलू से बनने वाले रेसिपीज के नाम बताइए, ठीक है। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर यानी ID कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा, और 8881 पे आप प्लीज मुझे SMS करिएगा। इधर उधर कहीं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं इनबॉक्स नहीं करिएगा, सिर्फ जवाब दीजिएगा 8881 पे आलू के से बनने वाले रेसिपीज के नाम। आप वाउच 365 की ये कूपन बुक्स जीत सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि डिपिट के जो सॉसेज हैं, वो जो हम यूज़ करते आ रहे हैं इतने अरसे से, चिपोटले भी पहले सिर्फ छोटी बॉटल थी, अब बड़ी बॉटल इसकी भी हो गई है। डिपिट के टोमेटो केचप एंड चिली गार्लिक सॉस तो वैसे है ही सैशेज में, लेकिन उन्होंने अब इंट्रोड्यूस किया है क्लासिक मेयो एंड द स्पाइसी मेयो एज वेल। और आप भी ज़रूर घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा। वेरी नाइस पाउचेज, वेरी कन्वीनियंट टू यूज़ एंड वेरी गुड इन टेस्ट ऑल्सो। ये सारे सॉसेज ना सिर्फ आप डिपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मैरिनेशन में भी मैं डाल चुकी हूँ इतने अरसे से। मैं जो रेसिपीज बना रही हूँ डिपिट की, आप नोट करिएगा अपनी डायरीज में और ज़रूर बनाइएगा। ओके, वी गॉट दिस लॉक एंड लॉक बॉक्सेज इन डिफरेंट शेप्स, गोल हैं, इस तरह के हैं, इंटरलॉकिंग बॉक्सेस हैं, पानी की बोतलें हैं, वेरी कन्वीनियंट टू पुट इन योर फ्रिजेस। बहुत अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक के बॉक्सेस हैं जिनके लिड्स भी बहुत अच्छे एयर टाइट होते हैं। फिलिपो बेरियो के ऑलिव ऑयल्स भी मैं यूज़ कर रही हूँ अपने शो पे। देव गॉट दिस दिस माइल्ड एंड लाइट जो है कलर में, वो आप यूज़ कर सकते हैं डीप फ्राइंग के लिए। तो आज हम फ्रेंच फ्राइज इसी से बनाएंगे, और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है, और इसके अलावा ऑलिव ऑयल भी है। सो वी गॉट ऑल दिस ऑन आर शो एंड थैंक यू टू ऑल द स्पॉन्सर्स फॉर स्टेइंग ऑन आर शोज। अब आज फ्रेंच फ्राइज बोर्ड है, एक बोर्ड है या एक बड़ी प्लेटर है, प्लेट है, जिस पे हम फ्रेंच फ्राइज डालेंगे। बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के आपको कर्ली फ्राइज मिल जाते हैं, क्रिंकल कट मिल जाते हैं, थिक वाले फ्राइज मिल जाते हैं, प्लेन वाले, पतले वाले फ्राइज मिल जाते हैं। बहुत सारे तरीके हैं फ्राइज बनाने के, और आलू से छोटे छोटे आप कटलेट्स और कबाब भी बना सकते हैं। दैट ऑल्सो यू कैन पुट ऑल दीज लवली सॉसेज ऑफ डिपिट विल गो विथ इट, ठीक है। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। वो हम ऑलिव ऑयल उनका यूज़ करेंगे, फिलिपो बेरियो का, और डिपिट के सॉसेज यूज़ करके एक सिंपल सा बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राई प्लेटर बना देंगे। सबसे पहले हम केक रस्क के लिए केक बनाएंगे, और उसको फिर आपने ठंडा करना है स्लाइसेस में काट के, फिर आपने उसको बेक करना है। जैसे इटालियन बिस्कॉटी कैसे होती है, आपने इटालियन बिस्कॉटी अगर खाई होगी तो उसमें भी यही है कि एक पूरा लोफ टिन बना के केक के फॉर्म में बनाइए, पतला पतला उसको काटिए और फिर उसको दोबारा बेक करने रख दीजिए। केक रस्क को इतना पतला नहीं काटते हैं, बिस्कॉटी को तो हम बहुत पतला काटते हैं। और बिस्कॉटी मैंने आपको बनाना भी सिखाया है शो में, अगर आप पिछले थोड़े महीनों वाले शोज देखेंगे तो। केक रस में यह है कि जी 4 ounces मैदा है, 3 अदद अंडे हैं, 100 ग्राम पिसी हुई सफ़ेद चीनी है, घर की आम दानेदार चीनी में पीस लेती हूँ, 100 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन है, 1 teaspoon बेकिंग पाउडर है, 1 teaspoon वेनिला एसेंस है, चंद कतरे येलो रंग के डालेंगे बिकॉज ऑब्वियसली रस का कलर वो येलो वाला होता है, और थोड़ा सा दूध जाएगा एज रिक्वायर्ड। जब मैं लिखती हूँ इसका मतलब होता है कभी 1 आध चमचा 2 चमचे, डिपेंड्स मैदा कितना जज्ब कर लेता है। आप या लोफ टिन में बनाइए तो वो ऊँचे पीसेज होंगे, या आप इस तरह के कोई फ्लैट डिश में बनाइए,
टिन में बनाइए, एनीथिंग यू वांट, ठीक है। और इस पेपर को भी हम ग्रीस करेंगे फिलिप बेरिया ऑलिव ऑयल के साथ, और पेपर के ऊपर भी हम ब्रश लगाएंगे। सो डेफिनेटली स्टे ट्यून टू माई शो। पीर से जुमा मंडे टू फ्राइडे 3:30 से 4:30 हम लाइव हैं, और रात में 9:30 बजे हमारा शो रिपीट होता है। तो अगर आप लेट लंच खाते हैं, डिनर जल्दी खा लेते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा शो दोनों टाइम लंच एंड डिनर पे। ओके, वेरी सिंपल। आई थिंक आई शुड स्टार्ट आफ्टर द ब्रेक। तो क्या ख्याल है, हम ब्रेक की तरफ चले, ठीक है? ओके, सो वील टेक अ ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और आइएगा ब्रेक से, फिर मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगी कि हम केक रस्क का केक कैसे बनाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज, और हमने यहाँ फिलिप बेरिया ऑयल रख दिया है ताकि फ्राइज़ को तलने के लिए फिर मुझे ना आसानी हो जाए। इतना सारा तेल, टाइम लगेगा थोड़ा सा इसको गर्म होने के लिए भी। 4 ounces मैदा है, 3 अदद अंडे हैं, 100 ग्राम पिसी हुई सफ़ेद चीनी है, 100 ग्राम पीकान सॉल्टेड मक्खन है, 1 teaspoon बेकिंग पाउडर है, थोड़ा सा पीला रंग है, थोड़ा सा दूध है, और 1 teaspoon वेनिला एसेंस है। बस सिंपल केक है, उसको आपको पका के ठंडा करके स्लाइसिस में काट के बेक करना है दोबारा। ये आपका केक रस्क हो गया, ठीक है। बहुत अरसे से फरमाइश चल रही थी, मैंने सोचा आज बना ही लेते हैं, इसीलिए टाइम मिला तो मैंने केक बना लिया और आपके लिए ये रेसिपी पेश कर दिया। आज बनाइएगा ज़रूर, स्पेशली ऑल दोज पीपल जो बार बार फरमाइश करते रहते हैं कि केक रस घर में बनाना सिखाएं। प्लीज़ घर में रहिए, स्टे सेफ, स्टे एट होम। बार बार बोलते हैं, रोज़ बोलते हैं, फिर भी लोग अभी भी विदाउट मास्क फिर रहे हैं, घूम रहे हैं ग्लव्स के बगैर, कहीं हर जगह जा रहे हैं, हर चीज़ों को हाथ लगा रहे हैं। नहीं जाइए, सिर्फ स्पेशल कोई खास काम हो, हफ्ते में एक दफ़ा जाइए, पूरे हफ्ते की ग्रोसरी कर लीजिए, एक दिन जाइए बैंक का काम कर लीजिए। बैंक में भी लोग हैं, उनके भी फैमिलीज हैं, वो भी अफेक्ट हो जाएंगे। कोरोना हैज़ स्प्रेड अ लॉट, प्लीज़ टेक केयर, ठीक है। बार बार हाथ धोते रहें घर में हो तो, और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए जब बाहर जाएँ तो। प्लीज़ स्टे सेफ, और अगर किसी को हो जाए सिम्टम्स, प्लीज़ घर में रहिएगा, अपने आप को आइसोलेट कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। ओके, मक्खन, अब चीनी। तीन अदद अंडे, मक्खन, चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर आज मुझे ज़रा टाइम मिलेगा तो मैं ज़रा फ़ोन खोलूँगी और कितने लोगों ने क्या क्या चीज़ें बना के मुझे तस्वीरें भेजी हैं, मैं बताऊँगी सबके नाम आज। पीला रंग पहले थोड़ा सा ही डालते हैं, फिर एकदम येलो ना हो जाए कहीं। वेनिला एसेंस, मैदा, ये केक बना के आप ट्राइफल वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा दूध, पहले थोड़ा सा डालते हैं फिर मिक्स करके देखते हैं कितना चाहिए हमें। मैदा डालने के बाद हल्का सा बीटर चला सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं चलाइएगा, ठीक है। दैट्स इट, सी अबाउट अ टेबल स्पून ऑफ मिल्क यू नीड, बस ज़्यादा नहीं। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, वील ग्रीस आर डिश, टिन, ट्रे,
बर्तन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, फिलिपे बेरियो ऑलिव ऑयल के साथ आप उसको थोड़ा सा ग्रीस करिए। बेहतरीन ऑलिव ऑयल है, आप भी घर लाइएगा, इस्तेमाल करिएगा। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में आप डिफरेंट इनके ऑलिव ऑयल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन ऑलिव से बनाया गया, पेपर को उसी के साइज़ का काटते हैं, बेस के साइज़ का, फिर इस तरह कर देते हैं, ठीक है। और साइडों पे भी हमेशा लगाते हैं तेल या मक्खन, व्हाटएवर यू वांट। डन। आज हमारे पास बहुत सारा टाइम है बातें करने के लिए, बहुत सारी बातें हम करना चाहते हैं जो करनी भी चाहिए आप लोगों के साथ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम स्कूल में नहीं सीखते हैं, जो हम कॉलेज में नहीं सीखते हैं, लेकिन हमें सिखाना चाहिए किसी को। फॉर एग्ज़ाम्पल, कितने लोगों को आता है टायर कैसे बदलते हैं, कितने लोगों को आता है कि अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप क्या करते हैं, कितने लोगों को पता है व्हाट इज़ द इमरजेंसी ड्रिल फॉर एनीथिंग दैट गोज़ रॉन्ग इन योर हाउस। बिकॉज कहते हैं बहुत सारे एक्सीडेंट्स घर से ही शुरू होते हैं। अब मैं पिछले फ्राइडे को नहीं आई थी ऑन द शो, लॉट्स ऑफ पीपल मैसेज में क्या हुआ, खैरियत तो है, तुम नहीं आई थी। हमारी बिल्डिंग में आग लग गई थी जहाँ मैं रहती हूँ, और हमारे एक नेबर बेचारे, वो उनकी डेथ भी हो गई इन द फायर। एंड इट वॉज़ अ वेरी सैड डे फॉर अस बिकॉज हम इतने सालों से उनके साथ रह रहे हैं। कहने का मकसद मेरा आज ये बात इसलिए है कि अगर आपके घर में गीज़र और जनरेटर साथ साथ रखे हुए हों तो प्लीज़ खुदारा उसको सेपरेट कर दीजिए। बिकॉज एक छोटी सी फ्लेम भी गीज़र से अगर निकलती है उसकी पायलट से, वो आपके जनरेटर के पेट्रोल को आग लगा सकती है। एक दफ़ा 3-4 साल पहले मेरे घर में भी छोटी सी एक आग लगी थी, लेकिन इनके घर में बहुत बड़ी आग लगी थी। तो उनको दुआओं में याद रखिएगा प्लीज़। और उनकी वाइफ अभी भी हॉस्पिटल में है, तो और उनकी बहन भी, तो आई होप दैट दे आर वेल सून। तो ये ऐसी चीज़ें जो हो जाती हैं ना, उस वक्त लोग पैनिक कर जाते हैं, सबको कुछ समझ में नहीं आता है करना क्या है। अपने घर में एक इमरजेंसी नंबर्स का लिस्ट कहीं लगा के रख दीजिए कि गॉड फॉरबिड कभी एम्बुलेंस को बुलाना पड़े या फायर ब्रिगेड को या किसी भी ऐसे डॉक्टर को, तो आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए कि कहाँ किसको फ़ोन करना चाहिए, और वो लिस्ट को चेक कर लीजिएगा। बाज़ वक्त ये भी होता है कि वो नंबर्स चलते ही नहीं है, हमारे साथ हुआ है इसलिए कह रहे हैं। दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखना बहुत बड़ी एक बात है। बहुत सारे लोग नहीं सीखना चाहते, वो ऑस्ट्रिच बनना चाहते हैं, वो कहते हैं डिनाइल में होते हैं, वो कहते हैं छोड़ो यार, हमारे साथ होगा तब देखी जाएगी, तब टाइम नहीं होता है। अल्लाह मियाँ सबको टाइम नहीं देते हैं, स्प्लिट सेकंड में आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो अगर आप रेडी होंगे ना थोड़े से, तो आप कुछ कर सकेंगे। कहने का मेरा मकसद यही था कि आप जितना भी अपनी लाइफ को प्लान कर लेंगे, अल्लाह मियाँ हैज़ अनदर प्लान फॉर यू वेटिंग ऑल द टाइम। सो ऑलवेज़ कीप प्रेइंग फॉर एवरीबडीज़ सेफ्टी, और छोटी छोटी बातें लेके पूरी ज़िंदगी बैठे ना रहें। यू नो, यू नेवर नो, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, कुछ भी किसी के साथ भी हो सकता है, ये है ज़िंदगी। अच्छा जी, और मुझे इनमा ने पेरिस ब्रेस्ट बना के लिख दिया था। इनमा, आई एम वेटिंग फॉर द पिक्चर, आपने कहा था मैं पिक्चर आपको ज़रूर भेजूंगी। पेरिस ब्रेस्ट हमारे एक बच्चे ने भी बना दिया है, उस लड़के का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसने मुझे तस्वीरें भेजी हुई हैं, वो लाइब्रेरी वीकेंड्स में भी आए थे, उबैद शायद नाम है, और उन्होंने बहुत अच्छा पेरिस ब्रेस्ट बनाया था। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। जब आप कराची आएँ, कोरोना ख़त्म हो जाए, आप ज़रूर मेरे शो पे भी आइएगा, एंड यू आर डूइंग वेरी वेल, आई रियली लाइक्ड व्हाट यू मेड। मैं जो शो पे चीज़ें बनाती हूँ ना, जल्दी जल्दी में बनानी होती हैं, टाइम नहीं होता है, गर्म होती हैं, क्रीम पिघल जाता है, तो आप लोगों को तो टाइम मिलता है ना, तसल्ली से आराम से आप लोग बनाते हैं चीज़ें। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी दैट पीपल हैव ट्राइड आउट दैट डिज़र्ट। तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा एडवांस्ड है, थोड़ा सा मुश्किल है, शायद कोई नहीं बनाएगा, लेकिन थैंक यू टू ऑल दोज पीपल हु ट्राइड इट आउट। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पे वेट कर रहे हैं, कौन है जी? शहनाज बोल रही हूँ। जी क्या हाल है शहनाज जी? मैं ठीक हूँ, आप? बड़ी मुश्किल से कॉल लगी है, काफी अर्से बात। जी फरमाइए फरमाइए। आपकी जबरदस्त रेसिपीज हैं, आज मुझे मैं रिपीट में देखती हूँ ज्यादातर गौर से, क्योंकि कुछ अगर कमी रह जाती है तो फिर गौर से रात को देखती हूँ। ठीक है, थैंक यू। और ट्राई भी करते हैं, बहुत अच्छी रेसिपीज हैं फूड डायरी। ओहो, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा, रेसिपीज ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू। ठीक है जी, सो दिस इज आर केक रस का बैटर। इट्स अ सिंपल सिंपल अंडे वाला, मक्खन वाला स्पंज केक। एक और कॉलर हैं जी, कौन है?
हेलो हेलो, कौन है जी? कौन है जी और कहाँ है जी? गायब हो गए। अभी रख नहीं रही इसको, सिर्फ देख रही हूँ। ये केक रस्क का जो पहले हमने जो स्पंज केक डाल दिया था, ये सूख रहा है, ठीक है? इसको हमें बेसिकली सुखाना है, डबल बेक करना है, तो इसको अभी इधर ही छोड़ देते हैं, इसको रखेंगे बाद में हम। जी अब आप कॉल मिला रहे हैं, हैं कोई ब्रेक का वक्त है, ठीक है? तो मैं इसका चूल्हा भी बंद कर देती हूँ, आई डोंट वांट के बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तेल। आप लोग लीजिए छोटी सी ब्रेक और देखते रहिए फूड डायरीज विद मी ज़ारनक सिद्वा, ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। मैं यहाँ फिलिप बेरियो ऑलिव ऑयल में ये वाला मैंने यूज़ किया था, देखें ये वाला जो है ना, दिस इज़ आइडियल फॉर डीप फ्राइंग। प्लीज़ आप भी जब डीप फ्राई करें ऑलिव ऑयल में तो इसमें करिएगा। एक्स्ट्रा वर्जिन तो आप सैलड्स में डालेंगे, दूसरा वाला ऑलिव ऑयल आप सॉसेज में डालेंगे, तो ये वाला करिएगा इस्तेमाल। ही बहुत बड़ी बोतल थी ना, तो मैंने आपके सामने नहीं उठाई है, ठीक है? इसको हमने डाल दिया है, ये यहाँ फ्राई हो जाएंगे। क्रिंकल कट चिप्स हैं और फिर वो थिक वाले चिप्स आप यूज़ कर लें, वेजेस यूज़ कर लें, व्हाटएवर यू लाइक। चिप्स के बारे में ये बताऊं, बहुत सारे लोगों को फ्रोज़न वाले नहीं अच्छे लगते हैं, घर में खुद बनाने हैं, तो व्हाट यू डू इज़ आप आलू लीजिए, हो सके तो बड़े बड़े साइज़ के आलू लीजिए, छिलका उतार दीजिए वेजिटेबल पीलर के साथ, ठीक है? फिर आप एक बड़ा सा पॉट लीजिए जिसमें आप पानी भर दीजिए, थोड़ा सा नमक डालिए और उसको आप चिप्स के साइज़ में शेप में काट के थोड़ी देर के लिए ब्लांच कर दीजिए। बॉयल नहीं कर दीजिएगा, मशीनी कर दीजिएगा, नरम नहीं करने हैं, हमने सिर्फ ब्लांच करने हैं, ठीक है? गरम उसमें डाल दीजिएगा गरम पानी में और निकाल के ठंडे पानी में रख दीजिएगा। फिर उसको आप छान लीजिएगा और कपड़े पे या किसी भी उस पर सुखा दीजिएगा। सुखा के फिर आप उसको ऊपर, कुछ लोग क्या करते हैं नमक काली मिर्चें छिड़क देते हैं, कुछ लोग चावल का आटा, कुछ लोग कॉर्नफ्लावर, मैं कुछ नहीं डालती हूँ, ऐसे ही करके आप उसको फिर डीप फ्राई करेंगे तो वो अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रंची क्रिस्पी रहेंगे। दैट्स एक्चुअली व्हाट अ फ्रेंच फ्राई शुड बी लाइक, ठीक है? ओके, सबसे पहले हमने केक रस बना दिया है, उसका अभी मैंने बेक करने नहीं रखा हुआ है। 4 ounces मैदा है, 3 अदद अंडे हैं, 100 ग्राम पिसी हुई चीनी है सफ़ेद, 100 ग्राम पीकान सॉल्टेड मक्खन है, 1 teaspoon बेकिंग पाउडर है, 1 teaspoon वेनिला एसेंस है, चंद कतरे येलो रंग के थे और थोड़ा सा दूध था, से अबाउट 1 tablespoon और 2। एक दफ़ा आपने ये बैटर बना दिया, किसी भी टिन में आप रख दीजिए उसको बेक होने के लिए, और फिर आप उसको निकालिए, पीसेस में काटिए, ठीक है? और फिर आप उसको दोबारा बेक करिए। पहले हम उसको बेक करेंगे, मैं आपको बता दूं कितनी देर के लिए, अबाउट 25 मिनट के लिए और फिर 15-20 मिनट के लिए। तो आप चेक कर लीजिएगा, आई थिंक 15 मिनट तो हो गए हैं, लेट मी जस्ट सी। ये देखें, थोड़ा सा टाइम इसको और लगेगा, आपको इसको सुखाना है, ये याद रखिएगा कि ये गीला ना रहे। मॉइस्ट केक नहीं हमें चाहिए, हमें सुखाना है तो ही ये केक रस बनेगा, राइट? जो भी सॉसेज आप यूज करना चाहें यू मे यूज, आई एम गोइंग टू यूज द टोमेटो केचप है मेरे पास, यहाँ 2 किस्म की मेयोनीज है, क्लासिक एंड गार्लिक, एंड आई हैव गॉट द चिली गार्लिक सॉस। कुछ भी, एनीथिंग, एनी ऑफ द सॉसेज यू कैन ऐड। देखें डिपिंग में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, आप स्मोकी बारबेक्यू सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और उसके अलावा हॉट सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, टबैस्को भी जाएगा, हैबनेरो भी है, इनफैक्ट हैबनेरो केचप भी है अगर किसी को तीखा केचप चाहिए हो तो। एंड वॉट एल्स कैन यू यूज़, यू कैन इवन यूज़ बफेलो सॉस एज अ डिपिंग सॉस। सो ना सिर्फ ये सारे सॉसेज आप मैरिनेशन में डालेंगे, आप इनको डिपिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको छोटे टेटर टॉट्स बनाने हो, ये टेटर टॉट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, छोटे आलू के
कबाब टाइप होते हैं. सो व्हाट यू डू इज़ यू मैश अप द पोटैटोज, बॉईल किए हुए पोटैटोज मैश कर दीजिए, नमक काली मिर्च ये सब कुछ डाल के छोटे छोटे बॉल्स बना दीजिए और उसको अंडे में डिप करें, क्रम में डालें. छोटे छोटे आलू के कबाब नहीं बनाते हैं वैसे, वो भी आप कर सकते हैं. सो एनी डिफरेंट वे, कर्ली फ्राइज मिलते हैं मार्केट में, वेजेस मिलते हैं, एनी थिंग यू कैन डू. और अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते आप वेजेस को अवन में भी बना सकते हैं. डबल क्रिस्पी पोटैटो स्किन्स भी बना सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं. चीज़ी पोटैटो स्किन्स भी बना सकते हैं. सो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं आलू के साथ. आलू से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम मैंने पूछे थे आज, किस किस ने बताया है, SMS कोई आए हैं कि नहीं, जल्दी से मैसेज करिए 8881 पे और जीतिए वाउच 365 के कूपन बुक्स. जी हमारे साथ एक कॉलर हैं, कौन है जी? आए भी और चले भी गए, ये क्या बात हुई? क्यों चले गए, कहाँ हैं, ढूंढ के लाइए वापस. नंबर्स हमारे हैं चल रहे हैं. ओके जब तक फ्राइज हो रहे हैं जल्दी से मुझे ढूंढने दें कि वो पेरिस ब्रेस्ट की तस्वीर, ओ इट वाज एक्सेलेंट. लेट मी जस्ट टेल यू कि वो नाम मैंने कहीं गलत नहीं बोला हो. तो लेट मी जस्ट चेक दिस. उबैद फ्रॉम रहीम यार खान. उबैद यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, आई होप आई कैन शो दिस ऑन एयर. नज़र आ रहा है बहुत अच्छा पेरिस ब्रेस बनाया है, बहुत अच्छे इन्होंने स्वर्ल्स किए हैं. आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा बना है. इसी तरह बनाइएगा, क्या पता किसी दिन आप अपनी एक बेकरी खोल दें. ठीक है, वेरी नाइस, आई एम रियली हैप्पी. बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ों की तस्वीरें हमें भेजते रहते हैं. सॉरी बाज़ वक्त शो पे बहुत काम होता है तो मैं भूल जाती हूँ, तो ये नहीं समझिएगा कि मैंने इग्नोर किया. मैंने उस वक्त आप लोगों को गुलाम फातिमा हमें भेजती रहती हैं, एक और लेडी हैं वो भेजती रहती है, शुमाइला भेजती हैं, बहुत सारे लोग हमें रेसिपीज़ की तस्वीरें करके भेज देते हैं. आई वुड प्रिफर कि आप लोग फूड डायरीज़ रेसिपीज़ के पेज पर जाके मुझे वो करें और मैं आपको अभी वो भी दिखा देती हूँ कि फूड डायरीज़ रेसिपीज़ का कौन सा हमारा पेज है. ये देखें, ये वाला है पेज जिसमें मेरी ये वाली तस्वीर है. ठीक है, और ये देखें यहाँ फोटोज़ है, ये दिखाइए फोटोज़. फ़ोटोज़ में अगर आप जाएंगे तो आपको तमाम रेसिपीज़ यहाँ मिल जाएंगी. इस तरह हैं, देखें ये सारी रेसिपीज़ इस तरह हैं, इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी हैं. ठीक है, ये नीचे इंग्लिश की रेसिपी है, यहाँ उर्दू की रेसिपी है. सो डेफिनेटली ट्राई आउट ऑल दीज रेसिपीज़. हम भी आपके लिए लेके आते हैं सारी डिफरेंट डिफरेंट क्विजींस, डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़. मुझे डार्क फ्राइड आइटम्स नहीं अच्छे लगते हैं, मुझे थोड़े लाइट गोल्डन अच्छे लगते हैं. कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ें तलते हैं फिर निकाल देते हैं, फिर खाने के टाइम पे दोबारा तलते हैं. ट्वाइस बेक्ड, ट्वाइस फ्राइड मुझे नहीं अच्छा लगता, पता नहीं क्यों, इट्स टू मच ऑफ ऑयल. एक दफ़ा कर लीजिए, अच्छी तरह तेल निथार दीजिए, इसमें क्रिस्पी रहती है हर चीज़. सो डू ट्राई थिंग्स आउट एंड ऑल योर आर रेसिपीज ऑल्सो. ठीक है, ओके. फॉर द केक रस्क, इसलिए मैं देखें बना के लाई थी, इसको सूखने का टाइम लगता है अवन में, ये जल्दी से सूखता नहीं है. ठीक है, ओके. एक चीज मैं करना चाह रही हूँ, इसको निकाल के ना ये देखें, टर्न इट. हाँ जी बोले, टर्न करना चाह रही हूँ. एक तरफ से हो गए हैं, अभी एक तरफ से करने हैं. ठीक है, टर्न कर लिया, एक तरफ से सूख गए हैं, एक तरफ से सुखाने हैं और फिर हम ब्रेक की तरफ भी चलते हैं. आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस कर देने हैं 8881 पे, अगर आपको जीतना है वाउच 365 की कूपन बुक्स, जल्दी जल्दी 8881 पे मुझे बताइए आलू से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम. मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा. विल टेक अ ब्रेक. वेलकम बैक. अब क्रिंकल कट फ्राइज आपने निकाल दिए, तो जस्ट टेक आउट ऑल द सॉसेस, जो वट एवर यू वॉन्ट टू सर्व विथ इट. ठीक है, डिपिट के सॉसेस.
केचप है, चिली गार्लिक सॉस, बोर्ड हो लकड़ी का उस पर रख दीजिए, सपोज टू बी ऑन लकड़ी का बोर्ड नहीं है अभी, कोई बात नहीं, जो है उसको इस्तेमाल किया करें, खास कुछ जाके खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लोकल चिलीज एंड गार्लिक से बनाया गया चिली गार्लिक सॉस डिपिट का, बहुत सारी लोकल इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होती हैं इनके सॉसेज में, और नो एडिटिव्स, नो प्रिजर्वेटिव्स, आप भी ज़रूर घर लाइएगा। गार्लिक मेयो है, मुझे समहाउ फ्राइज, फ्राइड फिश वगैरह मेयोनीज के साथ बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी क्वालिटी के सॉसेज हैं, मेयोनीज है एंड कुछ और भी है, ये क्या है? ओ द क्लासिक मेयो, स्पाइसी नहीं करूँ आज यूज, स्पाइसी करनी है मुझे यूज। मैंने केक के बैटर को भी रख दिया है अवन में, ठीक है, ट्राई करिएगा, बनाइएगा आप, स्पेशली ऑल दोज पीपल जिन्होंने मेरा इतने अरसे से दिमाग खाया था। अब आपने बनाया नहीं ना तो आप देख लीजिएगा, केक रस के पीछे पड़ गए थे आप लोग, अब बनाना है सबको और तस्वीरें भी मुझे भेजनी है। अच्छी तरह सुखाइएगा अवन में उसको, ठीक है, ऑलमोस्ट डन है, बस 5 मिनट और मैं निकाल दूंगी। डीप फ्राई करना ज़रूरी है फ्राइज़ को, लेकिन कुछ लोगों को बेक्ड कर फ्राइज़ अच्छे लगते हैं, ताकि तेल इस्तेमाल ना हो तो आप ओवन में रख दीजिएगा, थोड़ा सा ड्रिजल कर दीजिएगा ऊपर से फिलिप बेरियो ऑलिव ऑयल एंड देन दिल बी नाइस एंड क्रिस्पी। और तेल की कोई चीज़ बनाए भी तो इस तरह निथार दिया करें छन्नी में, काफ़ी सारा तेल, एक्सेस तेल निकल जाता है। क्या है शेफ़ कुकवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, आपको हम बता भी चुके हैं, बहुत अच्छा बेहतरीन क्वालिटी का नॉनस्टिक मटेरियल है, majesticchef.pk से आप उसको उनकी वेबसाइट से ऑर्डर भी कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन डिलीवरी भी हो जाएगी, और ऑनलाइन ऑर्डर करिएगा आपके घर पे होम डिलीवरी हो जाएगी, और बहुत अच्छी क्वालिटी है, 70 ईयर्स से हमारे साथ हैं ये, और डेफिनेटली गेट योर पॉट्स एंड पैन्स फ्रॉम शेफ़ कुकवेयर। स्टे सेफ प्लीज़, बच्चों को भी ग्लव्स और मास्क पहना के कहीं ले जाइए, और बाहर घूमने फिरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ख़ास काम हो तो ही घर से निकलिए, कोरोना है स्प्रेड अलॉट, केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे जानने वालों को भी हो गए हैं कोरोना, तो प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है, ज़रा भी कोई भी अलामत हो तो फ़ौरन आप अपने आप को आइसोलेट कर दीजिए। क्रंची एंड क्रिस्पी फ्राइज़ आर रेडी, मार्केट में बहुत सारी किस्म के फ्राइज़ मिलते हैं, वॉट एवर योर चिल्ड्रन वॉन्ट, डिपिट के सॉसेस के साथ सर्व कर दीजिएगा, फिलिप बेरी ऑलिव ऑयल में फ्राई कर दीजिएगा, बड़ी बॉटल, ठीक है, वो जो बड़ी बॉटल है वो, उसमें आप डीप फ्राइंग के लिए वो बेहतरीन है, वरना आप ऑलिव ऑयल, बहुत सारा ऑलिव ऑयल नहीं यूज़ कर सकते हैं फॉर डीप फ्राइंग। स्लॉटेड स्पून से यानी होल वाले चम्मच से निकालिए, इस तरह छन्नी में रखिए, थोड़ा निथार देने दीजिए तेल को, और फिर फ्राइज आप फिश फिंगर्स के साथ सर्व कर सकते हैं, चिकन फिंगर्स के साथ सर्व कर सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक, मोज़रेला चीज़ स्टिक्स के साथ, कितनी सारी रेसिपीज़ हमने आप लोगों को बनाना सिखाई हैं। एंड नाउ द रेस्ट ऑफ दीज विल गो, यहाँ
नाउ इफ यू इंसिस्ट के अंदर बेचारा चला जाए तो फिर तो ये मेरे मुंह में जाएगा ना कि नहीं। अच्छा आई थिंक एक और ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, अभी भी वक्त है। अगर आपको जीतना है वाउच 365 के कूपन बुक्स जिसमें बहुत सारे अच्छे ऑफर्स हैं, बाय वन गेट वन फ्री के, तो आप जल्दी से 8881 पे मुझे SMS करके बताइए आलू से बनने वाले रेसिपीज के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक। फ्रेंच फ्राइज बोर्ड अच्छा, फ्रोजन कर्ली क्रिंकल कट फ्राइज हंसपे ज़रूरत, केचप हंसपे ज़रूरत, चिली गार्लिक सॉस हंसपे ज़रूरत, मेयोनीज हंसपे ज़रूरत, चीज़ सॉस हंसपे ज़रूरत, हनी मस्टर्ड सॉस हंसपे ज़रूरत, रांच हंसपे ज़रूरत। तरकीब, फ्राइज को गर्म तेल में फ्राई कर लें और निकाल कर फ्राइज बोर्ड में रखें, इसे केचप और चिली गार्लिक के साथ या मेयोनीज, चीज़ सॉस, हनी मस्टर्ड सॉस और रांच ड्रेसिंग के साथ सर्व करें। केक रस्क अच्छा, मैदा 4 ounces, अंडे 3 adad, चीनी 100 gram, मक्खन 100 gram, बेकिंग पाउडर 1 chai ka chamach, वनीला एसेंस 1 chai ka chamach, पीला रंग चंद खतरे, दूध हंसपे ज़रूरत। तरकीब, मक्खन और चीनी को एक साथ इतनी देर फेंटें कि मिक्सचर क्रीमी हो जाए, फिर बेकिंग पाउडर और मैदा छान लें, उसके बाद एक एक करके अंडे डालें। अब मैदे का मिक्सचर वनीला एसेंस और पीला रंग शामिल करके मिक्स करें, फिर दूध डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मिक्सचर 6 inch चौकोर केक पैन में डालकर गर्म ओवन में 180°C पर 25 से 30 मिनट बेक कर लें, फिर निकाल कर 5 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ दें। उसके बाद केक के स्लाइस करके दोबारा ओवन में 150°C पर 15 से 20 मिनट बेक कर लें, आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। जी वेलकम बैक। फ्रेंच फ्राइज बोर्ड या प्लेटर या प्लेट व्हाटएवर इज रेडी विद द डिफरेंट सॉसेस ऑफ डिपेट जो हमने यूज़ किए थे, और उसके साथ साथ हमने इसको फ्राई भी किया था फिलिप बेरी ऑलिव ऑयल में। और जो केक रस्क है ये सूख गए हैं, आप भी इसी तरह बनाइएगा, ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और लज्जत में समीना जी बना रही हैं चिली चेरी चिकन और हॉट ड्रैगन सूप, स्पाइसी सी फूड फ्राइड राइस भी। विनर हैं फातिमा कराची से, लाइबा एबटाबाद से। आपको मुबारक हो, आपको जल्द कॉन्टैक्ट किया जाएगा। सारे गिफ्ट्स पहुंच जाते हैं, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिए, बहुत सारे शोज़ हैं, एक ही डिपार्टमेंट डील करता है सारे गिफ्ट्स भेजने के लिए। ठीक है, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिएगा और सबको दुआओं में याद रखिएगा। और जो कोरोना पेशेंट्स हैं वो जल्दी से सेहतयाब हो जाएं, और ये पूरी दुनिया से चला जाए ये मर्ज़, पूरी दुनिया को इसने स्टैंड स्टिल पे कर दिया है। एवरीबडी इज टायर्ड एंड डिप्रेस्ड ऑफ इट, तो बस सब तंग आ गए हैं, अब जल्दी से ख़त्म हो ये हमारी दुनिया से, और रेस्ट ऑफ द 6 months जो हमारे इस साल के हैं 2020 के, वो अच्छे गुजरे हैं सबके लिए, बिकॉज सो फार तो हमने इतनी बुरी खबरें ही सुनी हैं। चलिए जी, आप दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज को इजाज़त। 9:30 बजे हमारा शो रिपीट होता है, कल मैं आ जाऊँगी दोपहर में 3:30 बजे लाइव, देखिएगा ज़रूर, मज़ेदार सी कल रेसिपीज़ हैं। ठीक है, अब दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।
मजीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।